वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं फिर से लेके आई हूं आपके लिए इजी सा ब्रेकफास्ट। में आप इसे बना सकती हैं या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं, टिफिन में दे सकती हैं, शाम को इसे स्नैक्स में नाश्ते के रूप में खा सकती हैं। बहुत टेस्टी और बहुत ईजी है, इसे जल्दी से बन जाने वाला रेसिपी है। तो चलिए मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। तो आज का जो मेरा रेसिपी है वो है आलू ब्रेड कटलेट, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और इसमें मैंने थोड़ी सी ट्विस्ट इसमें डाला है, जिससे कि हमारे मसाले की जो फ्लेवर है वो थोड़ी सी और अच्छी हो गई है और टेस्टी हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर देखें कि मैंने जो आलू ब्रेड कटलेट बनाया है उसमें क्या ट्विस्ट दिया है मसाले में, किस तरह से मैंने इसका मसाला तैयार किया है, जो इसकी स्टफिंग होती है वो। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखें। लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और चाहते हैं कि एक इजी और सिंपल रेसिपी बहुत टेस्टी आपके पास हो। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि मैंने आज का आलू ब्रेड कटलेट कैसे बनाया और इसमें मसाले में क्या ट्विस्ट दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बोल लिया है और यहाँ पे 5-6 आलू इस तरह मैंने मैश किया हुआ लिया है। इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह मैश कर लीजिए, आप चाहे तो हैंड से भी इसे मैश कर सकती हैं। ये देखिए, तो ये हमें मैश हो गया। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है अनियन, एक बड़े साइज़ का अनियन है, इस तरह धनिया पत्ता है, हरी मिर्च है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं, और ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, ये है गरम मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है जीरा और काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और यहाँ पे टर्मरिक पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने चाट मसाला, जो कि फ्लेवर को और ज़्यादा बनाएगा। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई और इसमें डाली हूँ थोड़ा सा तेल, जो कि मसाले में थोड़ा सा ट्विस्ट मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा टेस्टी हमें बनाना है। तो इसमें मैंने डाला है इन सारे मसालों को इस तरह एक साथ, और इनको 1 से 2 मिनट हम इसे इसी तरह थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि इसे जितने भी मसाले हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे खुशबू इतनी अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह मैंने बनाया तो मुझे बहुत पसंद आया। तो यही मेरा ट्विस्ट था मसाले में कि इसकी जो स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं तो वो इस तरह से आप बनाइए सारे मसाले आलू में डालने के बाद, और उनको इस तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे मसाले हो गए हैं, अब इनके हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ प्लेट में हम छोटी छोटी टिक्कियाँ इस तरह आपको जिस शेप में बनाना हो उस शेप में आप बना के रख सकती हैं। आप चाहे तो गोल बना लें या इस तरह शेप में लंबे शेप में बना लें। तो मैं यहाँ पे लंबे लंबे शेप में बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कटलेट बना रही हूँ तो उसका शेप इसी तरह रहेगा। सारे गोलियों को मैंने इस तरह तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड, ब्रेड की ये जो कॉर्नर हिस्सा है इनको हम कट करके निकाल लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं बनाने में, तो इसे इनको हम हटा लेंगे चारों तरफ से, इनको कट करके और हम हटा लेंगे। इसी तरह आप सारे ब्रेडों को इस तरह स्लाइसेस कट कर लें। आप इसमें चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकती हैं, बट मुझे ब्राउन ब्रेड नहीं मिला था इसलिए मैंने वाइट ब्रेड ही यूज़ किया यहाँ पे। तो उसके बाद ये देखिए सारे ब्रेड के कोने को मैंने काट दिया इस तरह। अब यहाँ इसे सबसे अच्छा है कि पानी में इस ब्रेड को एक बर्तन, बड़े बर्तन पानी ले लेंगे, उसमें ब्रेड को भिगोएंगे और इस तरह उसे बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, और इसमें जो स्टफिंग हम तैयार किए हैं रोल करके वो इसमें डालेंगे, और इनको चारों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे, इनको अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे ताकि जो हमारे अंदर का मसाला है वो कवर हो जाए, और पानी को अच्छी तरह हम निचोड़ लेंगे। इस तरह हल्के हाथों से आप उसको निचोड़ लें। इसी तरह एक एक करके सारे टिक्की को हम तैयार कर लेंगे।
तो ये जो हमारा कटलेट है वो तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह मैंने इस तरह बना लिया है सारे लंबे लंबे स्टेप में। और पानी अच्छी तरह निकाल देना है। तो ये देखिए मैंने सभी तैयार कर लिया। चलिए अब इसको हम तल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने तेल लिया है, अभी इसमें मैंने पकौड़े तले थे थोड़ी देर पहले, तो इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड हम करेंगे और इसे थोड़ा सा हीट होने देंगे। हीट होने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारा कटलेट है वो बिल्कुल जले नहीं। और एक एक कटलेट इसमें हम डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे हम धीरे धीरे करके पकाएंगे ताकि जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेड है स्टफिंग है सब अच्छी तरह इसमें सेट हो जाए। अगर तेज़ आंच पे आप इसे बनाएंगी तो ऊपर का हिस्सा जो है वो जल्दी से जल जाएगा, अंदर का हिस्सा कच्चा कच्चा सा रह जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल फुल फ्लेम पे इसको ना बनाएं। ये देखिए धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है, ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे करके। अब इसे एक दो मिनट और पकाएंगे फिर इसे हम उतार लेंगे। ये देखिए सभी आप देख रही हैं कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इनको हम कढ़ाई से बाहर कर लेंगे। ये देखिए सभी के सभी हो गए हैं, अच्छी तरह पक गए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं ये। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये चारों तरफ हो गए हैं। जहाँ जिस आदमी आपको कच्चा लगे आप एक बार उसे इस तरह सीधा करने के बाद और रख सकती हैं। तो चलिए इनको हम तेल से बाहर कर लेंगे क्योंकि ये जो हमारा कटलेट है बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी थी, आपने देखा ना कितना टेस्टी, कितना यम्मी और कितनी जल्दी जल्दी से बन गई। तो चलिए अब आप लोगों को मेरा ये आलू ब्रेड कटलेट कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और एक बार फिर से कहूँगी कि जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए इजी सा ब्रेकफास्ट। में आप इसे बना सकती हैं या आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकती हैं, टिफिन में दे सकती हैं, शाम को इसे स्नैक्स में नाश्ते के रूप में खा सकती हैं। बहुत टेस्टी और बहुत ईजी है, इसे जल्दी से बन जाने वाला रेसिपी है। तो चलिए मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। तो आज का जो मेरा रेसिपी है वो है आलू ब्रेड कटलेट, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और इसमें मैंने थोड़ी सी ट्विस्ट इसमें डाला है जिससे कि हमारे मसाले की जो फ्लेवर है वो थोड़ी सी और अच्छी हो गई है और टेस्टी हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर देखें कि मैंने जो आलू ब्रेड कटलेट बनाया है उसमें क्या ट्विस्ट दिया है मसाले में, किस तरह से मैंने इसका मसाला तैयार किया है, जो इसकी स्टफिंग होती है वो। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को देखें। लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। और आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और चाहते हैं कि एक इजी इजी और सिंपल सिंपल रेसिपी बहुत टेस्टी आपके पास हो। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि मैंने आज का आलू ब्रेड कटलेट कैसे बनाया और इसमें मसाले में क्या ट्विस्ट दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।